नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। सरकार की ओर से कोरोना को देखते हुए पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक स्कूल बंद करने के विरोध में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए दादरी के रोज गार्डन में इकट्ठा होकर स्कूल खोलने और अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम CTM को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दादरी के रोज गार्डन में निजी स्कूलों के संचालक इकट्ठा हुए। यहां पर उन्होंने सरकार की ओर से पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक बंद किए गए स्कूलों को लेकर विचार व्यक्त किए। इसके बाद उन्होंने शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम CTM को ज्ञापन सौंपा। वहीं निजी स्कूलों के संचालक सुरेश सांगवान ने बताया कि सरकार ने कोरोना अपडेट देते हुए पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के क्लासों को बंद किया है, इसी के कारण उनको काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा, अगर सरकार स्कूल बंद करवाना चाहती है तो सरकार उनके स्कूल में लगे अध्यापकों, चौकीदारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का वहन करे ताकि उनका गुजारा भी अच्छे प्रकार से चल सके। वहीं उन्होंने CTM को ज्ञापन देते समय कहा कि दादरी जिले के सभी निजी स्कूल के ऊपर सरकार कौन है। अपने स्कूल की बसों की चाबी भी उनके हवाले की और कहा जो टैक्स सरकार की ओर से लगाया जा रहा है वो माफ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कल वे DC ऑफिस के सामने DC ऑफिस को बंद करवाने के लिए धरना देंगे, अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो एक बैठक कर आगामी रणनीति तय करेंगे और बड़ा फैसला लेंगे। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता जयवीर फोगाट की रिपोर्ट। कर्मचारियों को दे दें, स्कूलों को ना दें, हमारी बसों के टैक्स माफ किए जाएं, SC ST और आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं उनकी फीस का सरकार व्यवस्था करे, उनकी बोर्ड फीस भी माफ करे क्योंकि उनसे पैसे ना जाए जा रहे सर। अगर वहाँ कोरोना है तो वहाँ पर भी है और हमने अगर ये पॉसिबल नहीं है सर के इन बच्चों को पढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 बच्चे 20 बच्चे जितना भी कहेंगे सर हम आदेश में मानेंगे। नहीं तो शिक्षा व्यवस्था सर इतनी हालत बुरी हो गई है क्योंकि आप लोग हमारे से दूर नहीं हो, आपको भी पता है बच्चों की हालत ऐसी होगी सर। 3 साल से बच्चे इंटर नहीं हुए, LKG KG फर्स्ट के बच्चे वो फिर कहाँ कैसे, और जो मोबाइल कर रहे हैं उनमें बच्चे में। हम कल DO साहब के ऑफिस के सामने आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो देखो सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो जरूर आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विरोध स्वरूप जो ये 8वीं तक के स्कूल बंद किए 30 अप्रैल तक है, इनके विरोध स्वरूप आज ज्ञापन देने आए हैं DC साहब के माध्यम से। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अब प्राइवेट स्कूल और उनके कर्मचारी इस हालात में नहीं है कि वो आगे किसी भी तरीके से अपने खर्चे चला सके या कर्मचारी अपने घर चला सके, इसलिए सरकार इस फैसले को पुनः विचार करे। अगर ये जरूरी है इनको बंद करना या ओड इवन फार्मूला अपना ले या कोई भी तरीका अपनाए, कम बच्चों से SOP नहीं जारी की जा सकती है, स्कूलों को खोले। अगर स्कूल खोलना पॉसिबल अगर पॉसिबल नहीं है तो सरकार फिर हमारे कर्मचारियों का, हमारे बसों के टैक्स माफ करे, कर्मचारियों का वेतन दे, हमारे पास जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके पैसे देने का काम भी सरकार करे, उनके बोर्ड के पैसे जो जमा करवा चुके एग्जाम के वो पैसे भी सरकार वापस करे। सर अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो देखो आगे हमारी रूपरेखा, अभी तो कल DO साहब के ऑफिस में तालाबंदी का है क्योंकि हम ही नहीं चाहते कि अगर हमारे बच्चे कोरोना से संक्रमित हो तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो सम्मानित अधिकारी हैं या नेता वर्ग हैं उनके बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हो। हम उनको दफ्तरों में भी नहीं आने देंगे क्योंकि वो भी जाकर के अपने घर में जाके अपने बच्चों से मिलते हैं, वो भी अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं। आइटम कोई नहीं सर, कल हमारा DO साहब के दफ्तर को घेरने का है, उसके बाद 19 तारीख को हमें बोर्ड ऑफिस को घेराव करेंगे और उससे आगे की रणनीति फिर भी सरकार नहीं मानती तो फिर बनाएंगे। आज सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें उन्होंने पहली से आठवीं तक जो स्कूल हमारे बंद हैं अभी उसको खोलने के बारे आग्रह किया है। और इस ज्ञापन में इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अगर प्रशासन जो है स्कूल शुरू नहीं कर सकता वगैरह जो है अध्यापकों की वो दी जाए। इसके साथ उन्होंने एक चाबी सांकेतिक जो है चाबी दी है, इस चाबी से वो ये कहना चाहते हैं कि जो टैक्सीज वगैरह उनकी बस से लिया जाता है वो ना लिया जाए क्योंकि स्कूल बंद है। तो जैसा कि मुझे ज्ञापन मिला है मैं उसको नियम अनुसार जो है आगे की कार्रवाई हेतु भेज दूंगा। किसके नाम ज्ञापन दिया ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है।